नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सभी रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 2023 में रक्षाबंधन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है कि आखिर रक्षा जो है 30 तारीख को बांधना है या फिर 31 को बांधना है, भद्रा काल कब से कब तक है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं सीधा पिन पॉइंट, तो इसीलिए वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा की तिथि जो है वो स्टार्ट हो रही है 30 अगस्त को। जी हाँ, 30 अगस्त को ही पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है। राखी बांधने का जो समय है वो 30 अगस्त को है, लेकिन कब है आइए ये भी जान लेते हैं। तो रात को 9:03 के बाद आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्यों नहीं दिन में, जबकि दिन में ही रक्षाबंधन का पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रहा है? चूंकि भद्रा काल लग रहा है। जी हाँ, और भद्रा काल में कभी भी रक्षा नहीं बांधना चाहिए। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो शुभ कार्य करेंगे, यानी कि शादी हो गई, पूजा पाठ हो गया या फिर दुकान की ओपनिंग हो गई, कोई भी शुभ कार्य वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप भद्रा के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, एक या दो वीडियो पहले या फिर बाद में होगा, उसको जरूर देखिए, आपको पूरे साल के लिए नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं रक्षा बांधने के संबंध में। तो ऐसे तो कोशिश कीजिए कि रात को रक्षा नहीं बांधना है, यानी कि 30 को रक्षा मत बांधिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, किसी को जाना है, किसी को ड्यूटी ज्वाइन करना है या फिर कोई बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वो अगले दिन यानी कि 31 को उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो आप 30 को रात्रि को 9:03 के बाद बांध सकते हैं, क्योंकि आपका भद्रा काल उस समय पर खत्म हो गया रहेगा। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा तिथि जो है वो समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो अब अगर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 7:05 पर, तो सवाल फिर भी आएगा कि 31 को रक्षा कब बांधे। तो ध्यान रखिए, जैसे ही सूर्योदय हो उसके बाद से 7:05 के बीच में बांधे तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है, ये सबसे बेस्ट समय है। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि इस टाइम के बीच में कोई नहीं बांध पाता है, तो क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि शास्त्र जो है उदया तिथि को लेता है, तो यानी कि 31 तारीख को जब सूर्योदय हो रहा होगा तब पूर्णिमा की तिथि रहेगी, तो इसीलिए 31 तारीख को आप चाहें तो दोपहर तक भी बांध सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह 7:05 से पहले सूर्योदय के बाद। सूर्योदय होता है जैसे ही सुबह 31 तारीख को, उसके बाद से 7:05 आप 4 मिनट ही कर लीजिए, क्योंकि इस बीच में आपको फिनिश कर लेना है रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इसको पूरा कर लेना है। भद्रा काल जो है जैसे ही समाप्त होगा, रात्रि को 9:03 पर समाप्त हो जाएगा 30 तारीख को, इसके बाद से सुबह 7:05 तक रक्षा बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको समय नहीं मिल पाएगा तो आप रात्रि में भी बांध सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया मॉर्निंग में बांधिए। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए कि भाइयों के लिए, खास करके हम भाइयों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप रक्षा बंधवाइए आप उधार मत छोड़िए, यानी कि जो खुशी होती है आप तुरंत कोई गिफ्ट देते हैं, जो भी गिफ्ट देना है आपको वो बहन को वो दीजिए, तो तुरंत दीजिए ताकि उस समय का माहौल अच्छा बने, खुशी हो। आप उसके लिए भले ही आज से ही तैयारी कर लीजिए, लेकिन आप तुरंत दीजिए तो उसका मजा अलग होता है। बाद में तो वैसे भी बहन है तो आप कुछ भी दे सकते हो, आपको इच्छा है कि कुछ बड़ा देना है, कुछ और करना है, तो आप बाद में ला करके दे देना वो भी, लेकिन उस समय पर कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। और बहनें जो हैं बहुत कमाल का अपने भाइयों के लिए होती हैं, इतना सारा वो अपने भाई पर गर्व करती हैं। जब एक भाई बहन को देखेंगे, कोई भी मुसीबत आती है कहीं भी बाहर भी, तो बोलती है मेरा भाई देख लेगा, और भाई पर बहुत नाज होता है। और भाई को बहन का रक्षा करना भी चाहिए, और ये रक्षा सूत्र जो है भाई के रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाता है। वैसे आपका क्या मानना है इस बारे में और रक्षाबंधन के बारे में आपकी क्या सोच है, आपको कैसा लगता है ये त्योहार, जरूर कमेंट करके बताइए। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, हमें भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और क्या लिखिएगा? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जी का नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो शिव जी का नाम तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। ये आज की वीडियो रही, उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।